दोस्तों अभी मार्केट काफ़ी चौपी हो रखा है, कभी ऊपर जाता है फिर नीचे, कभी ऊपर नीचे, ऐसे काफ़ी दिन से चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या लगता है, क्या आप करेक्शन का टाइम आ गया है? पर इस सिचुएशन में व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या अपने को लेना चाहिए और किस तरह से इसको राइड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, अपना एक्सपीरियंस और बिग इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि आपको इस समय क्या करना है। पहला फैक्ट, 21 जनवरी 2021 में सेंसेक्स फर्स्ट टाइम 50,000 के ऊपर क्लोज हुआ, और वहीं 24 सितंबर, पूरे 8 महीने बाद, वो 10,000 पॉइंट्स और सर्च कर गया एंड क्लोज अबव 60,000। तो बेसिकली 8 महीने में 10,000 पॉइंट्स एक्स्ट्रा गेन किया सेंसेक्स इन जस्ट स्पैन ऑफ 8 मंथ्स। सो इट हैज बीन अ मीटियोरिक राइज इन द लास्ट 8 मंथ्स। सेकेंड थिंग, इस दौरान 42 स्टॉक्स हैव बिकम मल्टी बैगर स्टॉक्स। ये जो मार्केट भरा है इतना फटाफट, ये बहुत कम होता है। इट्स वन ऑफ द वेरी रेयर ओकेशंस व्हेन द मार्केट राइज सो ड्रास्टिकली। ये जो पिछले 8 महीने में जो भरा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द FIIs। FIIs इनफैक्ट पिछले 6 महीने में बेचते गए स्टॉक्स। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, ऑब्वियसली बिसाइज द DIIs एंड HNIs, इन सब को लेके मार्केट भरा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज बिकॉज ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेशन। आज के दिन कितना भयंकर रूप में डीमैट अकाउंट्स खोला है, मच मोर देन द प्रीवियस ईयर। इनफैक्ट अगर ब्रेकअप देखे तो पिछले 6 महीने में निफ्टी हैज इंक्रीज बाय 20%, फिर मिड कैप इंडेक्स हैज इंक्रीज बाय 26%, और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव इंक्रीज बाय 31%। तो पिछले 6 महीने में हाइस्ट राइज हुए ऑफ द स्मॉल कैप्स, देन द मिड कैप्स एंड देन द निफ्टी। तो निफ्टी काइंड ऑफ हैज बीन अ लगार्ड कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स इन द लास्ट 6 मंथ्स। और इनफैक्ट आप नोटिस करोगे कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, उनका भी शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ा है, दे आर रियली शॉट अप। ऑब्वियसली इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, उसका भी म्यूचुअल फंड में भी इतना पैसा जा रहा है, फिर डेरिवेटिव्स में भी इतना डीलिंग हो रहा है, ऑप्शन डेरिवेटिव्स ये सब में, मतलब आप समझ लो दिस हैज़ बीन द हाइस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल मनी इन द स्टॉक एक्सचेंज। इनफैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ हैज़ बीन इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अब इसको आत्मनिर्भर नहीं बने तो किसको बोलेंगे, कि FIIs तो पैसा अपना निकालते गए, इनफैक्ट हार्डली कुछ इन्वेस्टमेंट हो, और यहाँ मेनली जो मार्केट भरा है इट्स बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। तो आत्मनिर्भर से बिजनेस वाइज नहीं, इवन स्टॉक मार्केट भी अब आत्मनिर्भर बन गया है। सो वी शुड बी क्वाइट प्राउड ऑफ इट। अब अपने को लगता है यार अब क्या फर्क पड़ता है यार, FIIs निकाल भी दिए तो पैसा निकाल रहे तभी भी मार्केट भर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, और हार्डली कुछ इन्वेस्टमेंट आया है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि FIIs को अपना कोई खास रुपये निकाले नहीं है, लगता है कि बेचते रहे खरीदते रहे। ओवरऑल देखिए नेट इन्वेस्टमेंट का थोड़ा पॉजिटिव रहा अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखे, बट एट द सेम टाइम उनका अभी भी काफ़ी अच्छा खासा होल्ड इन द स्टॉक में। द इन्वेस्टमेंट इज स्टिल क्वाइट अलॉट, इनफैक्ट 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इन द मार्केट इज ऑफ द FIIs। आज के दिन $630 बिलियन FIIs का इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड है, $630 बिलियन, मतलब अराउंड 5 लाख करोड़। अब 5 लाख करोड़ में से अगर वो लोग सिर्फ 10% भी पैसा निकालते हैं, विच इज 50,000 करोड़, वो मार्केट को हिला देगा। 50,000 करोड़ मार्केट से निकलना, और अगर वो 1 महीने में निकलते हैं जो 2020 में हुआ, तब समझ लो क्या हाल होगा, मार्केट गिरेगा भयंकर रूप में गिरेगा। तो रिमेंबर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट्स अबाउट जस्ट 10% ऑफ FII मनीज। और प्रॉब्लम क्या होगा कि जब FIIs अपना पैसा निकालने लगेंगे, तब DIIs, HNIs, आप हम जैसे भी अपना पैसा निकालने लगेंगे। DIIs हो सकता है एक बार तो सपोर्ट करे, पर अगर वो ज़्यादा गिरने लगा, एकदम सडन पहुंच जाए, तो DIIs भी निकालना शुरू करेंगे। और जब उन लोग निकालने लगे, कॉम्बिनेशन ऑफ FIIs और हम लोग, तो देखिए निकालना शुरू कर ही देंगे, बिकॉज रिटेल्स के वो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ा भी मार्केट गिरते हैं तो सबसे पहले इस काइंड ऑफ कि भाई निकलो निकलो निकलो, या इसके पहले कि हम लोग का जो कमाया वो नुकसान हो जाए, जो नहीं कमाया तो फिर तो लॉस ही लॉस हो जाए। क्वेश्चन इज कि FIIs कितना निकालते हैं, कितना तेज़ी से निकालते हैं, और DIIs कितना सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बट इज गोइंग टू हैपन, इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, उसमें कोई डाउट नहीं, बिकॉज आर मार्केट राइट नाउ इज वेरी वेरी ओवर वैल्यूड। आई वॉन्ट टू रियली वेरी, मतलब इतना भी नहीं जिस हिसाब से लोग दिखाते, बट इज डेफिनेटली ओवर वैल्यूड। तो करेक्शन इज ओवर ड्यू। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली आप नोटिस करूँ द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशली निफ्टी की अगर बात करें, तो हर 15 से 17 महीने में देयर हैज बीन अ करेक्शन एवरी 15 to 17 months। दो वी वर एक्सपेक्टिंग इतना सडन राइज के बाद कम से कम 15% का तो करेक्शन आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया। सो दैट इज डेफिनेटली ओवर ड्यू। क्रैश का यू कैनॉट बी श्योर, बिकॉज क्रैश इज जनरली कंसिडर्ड अबव 25%। तो अब 25% आएगा, 30% आएगा, 35 आएगा, 2020 में इट वॉज अराउंड 37% करेक्शन था, तो वी कैन इवन एक्सपेक्ट दैट, वी कैन एक्सपेक्ट इवन मोर देन दैट।
बिकॉज देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब जितना फटाफट मार्केट बढ़ रहा है ना, अगर इसी तरह से तेजी से और मार्केट बढ़ेगा तो उतना ही तेजी से मार्केट गिरेगा भी। अब देखिए S&P 500 और अपना निफ्टी काफी हद तक सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर ट्रेंड चलता है। तो S&P 500 का मैं कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ विच विल हेल्प यू टू टेक द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर ने हिस्ट्री समझने का कोशिश किया कि भाई अगर आपने 10-10 साल का पीरियड पकड़े S&P 500 का तो क्या फिगर्स अपने पास सामने आता है। तो उन्हें एक 10 साल का फिगर पकड़ा जिसमें अराउंड 12% का कंपाउंडिंग रेट हुआ S&P 500 का। तब अगर आप 1 लाख रुपया जमा किए हो तो 10 साल बाद वो 1 लाख रुपया आपका अराउंड 3,10,000 रुपया आपका हो गया था। उसने सोचा कि जैसे बहुत बार क्या ना हम लोग बीच में बेच देते खरीद लेते क्योंकि 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। तो उन्हें देखा कि अगर 10 बेस्ट डेज इन दैट एंटायर 10-ईयर पीरियड मतलब 3,650 दिन में अगर सिर्फ 10 दिन द 10 बेस्ट डेज अगर मिस कर जाते तब क्या होता। तो उन्होंने देखा कि अगर 10 बेस्ट डेज मिस करते तब हमारा रिटर्न्स इंस्टेड ऑफ 12% वुड हैव कम टू 6.9%। मतलब जो 1 लाख रुपए था वो 3,10,000 नहीं होता, वो 1 लाख रुपए 1,90,000 रुपए तक ही पहुंच पाता, 2 लाख भी नहीं, मतलब डबल भी नहीं होता आपका पैसा 10 साल बाद अगर आप द 10 बेस्ट डेज मिस कर जाते हैं। और वहीं उन्होंने देखा कि इफ एवर मिस 30 बेस्ट डेज ऑफ द एंटायर पीरियड 10-ईयर पीरियड मतलब 30 दिन मतलब 10 साल का 120 महीने में केवल एक महीना बेस्ट 1 मंथ आप मिस कर जाते, मतलब 30 बेस्ट डेज, इट्स नॉट कि 1 मंथ पूरा एक महीना इन टोटालिटी 30 बेस्ट डेज। तो 30 दिन अगर आप मिस करते इन दैट 10-ईयर पीरियड देन योर रिटर्न वुडंट हैव डबल्ड। ऑब्वियसली डबल तो होता ही नहीं, डेढ़ा भी नहीं होता, इनफैक्ट आपका नेगेटिव रिटर्न होता है। कैन यू बिलीव इट, आपका जो 1 लाख रुपया रहता है वो 1 लाख रुपया भी नहीं रहता, उससे भी कम हो जाता है उसका वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट, वेरी वेरी डिफिकल्ट, कोई टाइम नहीं कर सकता मार्केट। अब टाइम नहीं कर सकता मार्केट तो क्या करना चाहिए, मतलब जो इन्वेस्टेड वो रहे दिख रहा मार्केट गिर रहा है तो कुछ नहीं करे। यहाँ के स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो इज गोइंग टू हेल्प यू, विच इज नॉट अ फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी आई टेल यू, बट इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे। क्या है, जैसे जैक पोगल हु इज वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने एक चीज कहा एंड ये आप भी गांठ बांध लो, एकदम सुन लो, ध्यान से सुनो, आपको कितने लग जाए मार्केट गिरे, इफ यू 100% श्योर कि मार्केट गिरेगा और क्रैश आ ही रहे, एवरीथिंग इज हैपनिंग, दिस इज इन हिज वर्ड्स, ही सेड इन एन इंटरव्यू, नेवर नेवर एवर टेक आउट ऑल द मनी आउट ऑफ द मार्केट, नेवर डू दैट। ये नहीं कि आप अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ 100% श्योरिटी, नेवर एवर डू दैट। व्हाट ही सजेस्टेड कि ऑलवेज कीप अ रेशियो ऑफ 75-25% टू द मैक्सिमम हिल्ट, मतलब कि आपको अगर लगता है कि मार्केट गिर रही है श्योर अबाउट इट, तब कम से कम 25% पैसा तो आपका एट एनी टाइम इन्वेस्टेड रहना चाहिए मार्केट में। मैं अगर आप सोच रखें कि मुझे 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करना मार्केट में, तो 2.5 लाख रुपया आपका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी इन्वेस्टेड, दैट शुड बी द मिनिमम इन्वेस्टमेंट राइट नाउ इन योर मार्केट। अगर नहीं है तो आप इन्वेस्ट करना शुरू करो, और अगर है अर्गो से ज्यादा है और आपको लगता है क्रेशन आने वाला है तो आप कम कर सकते हो, बट डेफिनेटली डोंट गो बिलो 25% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट और ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट विच यू प्लान टू मेक इन द इक्विटी मार्केट, रिमेंबर दैट। आप ट्वीक कर सकते हैं इस रेशियो को, अब आपको लगता है कि भाई मार्केट आई एम नॉट श्योर पर मार्केट काफी ओवर वैल्यू लग रहा है, तो हो सकता है आप यू नो 60-40 कर ले, तो आप 60-40 कर सकते हो, 60% इक्विटी में रखिए, बाकी 40% अपना कोई डेट इंस्ट्रूमेंट या फिक्स इनकम एसेट में रख लिए, ये 80 इक्विटी में रहा और 20 वैसे रहा, दैट यू कैन डू, या 50-50 कर लिए, बट 25% के नीचे तो जाने नहीं है, ये ध्यान में रखिए। 25% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट इन द इक्विटी मार्केट शुड ऑलवेज बी इन्वेस्टेड देयर। ये मेरा कहना नहीं, ये वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम्स का कहना है। जैक पोगल आप गूगल भी कर सकते हैं, ही हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ वेल्थ फॉर अ लॉट ऑफ अमेरिकन, तो वो कह रहे तो भाई बात में दम है, और उनका पहले का भी काफी एक्सपेरिमेंट्स किया, वो सब समझ चुके, सब कुछ देख चुके हैं। तो ये रूल आप लिख के चलोगे तो आपका फायदा होने वाला है, लॉन्ग रन में आप कमाओगे ही मार्केट से, कोई डाउट ही नहीं। कितना ही गिर जाए मार्केट, कितने ही साल मार्केट साइडवेज मूवमेंट करते रहे, आप कमाओगे मार्केट से। अब यहाँ के मिस्टर कामा जो ज़ेरोधा के सीईओ, उनका भी मानना है, पर देखिए जब तक मार्केट बढ़ रहा है तब तो अच्छा है, मार्केट का कंसोलिडेट होने लगता है, साइडवेज मूव करता है या उसे नीचे जाने लगता है हल्का हल्का, तब क्या लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग थोड़ा घबराते हैं और अगर थोड़ा और ज़्यादा प्लंज आ जाता है तब ऐसे गिरता है मार्केट के पता ही नहीं लगता है। जिस तरह से लास्ट 1-2 हफ्ता चल रहे काइंड ऑफ कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, गिरता है बढ़ता है गिरता है बढ़ता है, तो नाउ एट दिस स्टेज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हो सकता है यहाँ से और बढ़े,
अगर निफ्टी का बात करें तो हो सकता है 18,000 को पार कर जाए, 20,000 को भी पार कर जाए, हो सकता है यहाँ से 15,000, 12,000, 10,000 तक भी पहुंच सकता है, नेवर नो। तो इस समय तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज नॉट द टाइम वे यू शुड फुल्ली इन्वेस्टेड इन द मार्केट। अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड है तो कुछ पैसा निकाल लो, और जो लोग सोच रहे इन्वेस्ट करने का, जो लोग आने का सोच रहे मार्केट में, अगेन 25% डाल दो, 25% आप डाल दो, धीरे धीरे डालो। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि एक साथ मेरी कि यार चलो मुझे अब घुसना है मार्केट में, मैं 25% एक साथ लगा देता हूँ, नहीं, आराम से अपना SIP करते हुए धीरे धीरे अपना इन्वेस्ट करिए पैसा। बट इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, डोंट वेट फॉर इट, क्योंकि अगर यहाँ से और बढ़ता है, 18,000 20,000 तक टच करता था, आप मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू एंटर मार्केट, मार्केट इज ऑल अबाउट रिस्क, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। बट किस तरह से आप अपना रिस्क को कटेल कर सकते हैं वो आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय एंड टेक केयर।